हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे, जो भी लोग यहाँ पे बेलगांव ऑफिस पे घेराव किए थे उन लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को यहाँ पे खुशखबरी मिल चुकी है। बेलगांव ऑफिस का घेराव आप लोगों का सफल रहा। तो जो भी लोग यहाँ पे बेलगांव के घेराव में भाग लिए थे उन लोगों का मेहनत जो है रंग लाया फ्रेंड्स। बहुत लोगों को लाठी खाना पड़ा है, बहुत लोग जो है गिर गए थे, चोट लग गया था और कुछ लोगों को तो थाने भी लेके गया था। उन लोगों का मेहनत रंग लाया फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो है पीएचईडी से 208 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है और उमलिया से कॉल आना शुरू हो चुका है। जो भी लोग बेल्टन के पास आउट कैंडिडेट है उनसे रिक्वेस्ट है अपना फोन हमेशा चालू रखे, ऑन रखे, जिससे कि आपका उमलिया से जब भी कॉल आए आपको किसी प्रकार के कॉल आने से परेशानी ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम लोग बात करें पीएचईडी में यहाँ पे टोटल जो है 208 लोगों को यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल चुका है, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक अपने चेक नहीं किया है लिस्ट में तो अपना नाम चेक कर ले, ठीक है। कुछ लोगों को कॉल आ गया है, कुछ लोगों को किसी प्रॉब्लम से कॉल नहीं आया हो, किसी कारणवश हो सकता है आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो या आपका फ़ोन रिचार्ज नहीं हो तो आपका कॉल नहीं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप पहले इस लिस्ट को अच्छी तरह से देख लें कि आपका नाम है या नहीं है। अगर है तो आप खुद उर्मिला को कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं अगर इस लिस्ट में जितने भी लोग हैं उन लोगों का एक एक करके नाम अगर बताऊं आप लोगों को तो वीडियो काफ़ी यहाँ पे लंबा हो जाता है। तो वीडियो लंबा हो जाने के कारण आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं पूरा, ठीक है, मुझे पता है। और जितना भी यहाँ पे लोग पास आउट कैंडिडेट है उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है यहाँ पे अपना नाम एक बार चेक कर ले, हो सकता है आपका भी नाम हो। अगर आपका नाम नहीं है तो हो सकता है आपका दोस्त या रिलेशन किसी का भी नाम हो तो आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उर्मिला से कल शाम से कॉल आना शुरू हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग बेल्टन के घेराव में गए थे उन लोगों का मैंने सफल लाया है। हम लोग कह सकते हैं कि बेल्टन का घेराव सफल रहा हम लोग का। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूँ कि जो भी लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन की, अब बहुत जल्द जो है बेल्टन को यहाँ पे धक्का लग चुका है। अब बहुत जल्द न्यू रजिस्ट्रेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था 13 तारीख के बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। कि इसका मतलब यही है फ्रेंड्स कि अब जो है 13 तारीख को बेल्टन अपना काम जो प्रोसेस वो थोड़ा स्पीड कर चुका है। अब धीरे धीरे जो है सबका ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन भी बहुत जल्द शुरू होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह लेटर आप देख सकते हैं, बहुत सारे लेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे अच्छा आप डाउनलोड कर ले टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम में, आपको ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद आपको वो पीडीएफ रूप में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छी तरह अपना नाम देख ले और आपका पिता का नाम अच्छी तरह देख ले। अगर आपका नाम सेम है तो ठीक है, या दोस्त यार किसी का भी है तो आप उसे बता सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे सबको होम डिस्ट्रिक्ट में दिया जा रहा है और यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट के साथ ब्लॉक भी दिया जा रहा है, होम ब्लॉक भी दिया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को होम ब्लॉक भी मिल चुका है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको होम ब्लॉक मिल रहा है तो आपको जाने आने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है इसमें। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी नाम इस लिस्ट में है तो आपको हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। और फ्रेंड्स, अगर आप उर्मिला ऑफिस जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं साथ में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको बाद में वहाँ पे जाकर कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप या फिर एडमिट कार्ड या चालान का फोटोकॉपी लेके जाना है। उसके बाद आपको पैन कार्ड का फोटोकॉपी लेके जाना है। उसके बाद आधार कार्ड का यहाँ पे फोटोकॉपी लेके जाना है, और साथ में आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट उसका भी फोटोकॉपी लेके जाना है, और इंडियन ओवरसीज बैंक SBI का, इंडियन ओवरसीज और SBI में से दोनों में से एक आपका किसी में होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे आपका जो है पासबुक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपका दूसरा कोई अकाउंट है SBI और इंडियन ओवरसीज बैंक को छोड़ के तो आप वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको वहाँ पे पासबुक जो है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको साथ में दो पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो लेके जाना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज का दो कलर साइज फोटो लेके जाना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।